ओके तो आज हम विस्कोसिटी के ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 8 सम कर चुके, तो विस्कोसिटी के ऊपर सम्स करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस लिख लेता हूँ विस्कोसिटी का, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या है वो, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू वाई डी वाई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू के इज डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ये म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, ये सब नाम हमें याद होना चाहिए अभी, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, पॉइस, सीजीएस में क्या होता है, पॉइस, तो यहां मैं लिखता हूं ये डायनामिक विस्कोसिटी, उसका जो यूनिट है वो क्या होगा, पॉइस, एंड 1 पॉइस इज इक्वल टू 10^-1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फोर्थ हमने क्या देखा कि काइनामेटिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट क्या है, काइनामेटिक विस्कोसिटी का 1 स्टोक, तो 1 स्टोक, स्टोक जो है वो सीजीएस में, ठीक है, सो 1 स्टोक इज इक्वल टू 10^4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। ये था, ये हमारा पूरा विस्कोसिटी के ऊपर था, ओके। तो आज हम उसके ऊपर ही कुछ सम सॉल्व करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन में कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी कितना, 0.005 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो कि यहां पे विस्कोसिटी दो टाइप का विस्कोसिटी हमारे पास, एक कौन सा, एक तो है डायनामिक विस्कोसिटी और दूसरा कौन सा है, काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो अभी ये कौन सा विस्कोसिटी दिया हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है, ये कौन सा विस्कोसिटी दिया कैसे मालूम पड़ेगा, उसका यूनिट चेक करना। अगर डायनामिक विस्कोसिटी रहेगा तो उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और अगर काइनेमेटिक रहेगा तो क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर क्या रहेगा उसका, एक और रहेगा पॉइस में रहेगा, सीजीएस में, या फिर इसमें रहेगा वो स्टोक में रहेगा, ठीक है, राइट। तो यूनिट्स को देख के हमको पहचानना है, राइट। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं, उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल क्या, एस, और ये हमेशा लिखना, फ्लूइड है, ऑयल है, क्या है, हमेशा नीचे लिखना ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हैविंग विस्कोसिटी ये मुझे क्या दिया, ये मुझे डायनामिक विस्कोसिटी दिया है, क्या दिया मुझे, ये डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, कैसे मालूम पड़ा मुझे, इसके यूनिट से मालूम पड़ा, 0.005 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड काइनेटिक विस्कोसिटी का क्या है सिंबल, म्यू के कितना दिया है, 0.035 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे हमें निकालने क्या बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने बोला है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लिख लेता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू, एक तो क्या रो बाय रो है, या फिर दूसरा क्या फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वॉटर, ये भी क्या रहेगा, मास डेंसिटी ऑफ वॉटर। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब मुझे दिया क्या है, एक तो म्यू दिया है और दूसरा म्यू के दिया है। तो अभी अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आइदर मुझे इस फ्लूइड का, कि यहां पे भी क्या रहेगा, यही फ्लूइड रहेगा, याद है हम लोगों ने किया था सम सॉल्व, ये जो फ्लूइड है इसका भी वही फ्लूइड रहेगा, ठीक है, मास डेंसिटी,
जो फ्लूड यहां पे वही उस फ्लूड का क्या रहेगा, वेट डेंसिटी रहेगा, सेम फ्लूड। तो अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आइदर मुझे मास डेंसिटी निकालना चाहिए या फिर मुझे वेट डेंसिटी इस फ्लूड का मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो लेकिन मुझे दिया क्या, म्यू दिया है और म्यू के दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है। तो अब मुझे फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या म्यू के या फिर म्यू, अच्छा म्यू का फॉर्मूला मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाय डी वाई, राइट। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसका है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ठीक है राइट। अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अच्छा अभी मुझे म्यू दिया है और म्यू के दिया है, मुझे म्यू दिया है और म्यू के दिया है, म्यू में देखो टाउ चाहिए और यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए, ना मेरे पास टाउ है ना मेरे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है। म्यू के में देखो यहां पे मेरे पास क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है और यहां पे रो है मतलब मास डेंसिटी। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकता हूं, मास डेंसिटी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, म्यू के का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो देयरफॉर म्यू के इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, म्यू मुझे मालूम है दैट इज 0.005, रो 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 नहीं मालूम, ठीक है रो नहीं मालूम। सो देयरफॉर म्यू के कितना दिया है, म्यू के इज 0.035 इंटू 10^-4 इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाय रो, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाना चाहिए, मुझे यहां से रो मिल जाना चाहिए, ठीक है राइट। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, रो निकालेंगे, रो रो कैसा होगा, 0.005 डिवाइड बाय 0.035 इंटू 10^-4, तो 0.005 डिवाइड बाय 0.035 10^-4 कितना आ रहा वैल्यू, 142.57 क्या रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है उसका मास डेंसिटी, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, अभी यहां से देखो मुझे मिला क्या है, मुझे रो मिल गया, रो रो मिल गया, रो कितना है 1428.75 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे रो मिल गया है और मुझे रो ऑफ वाटर मालूम है कितना होता है, वो रो ऑफ वाटर 1000, ठीक है। तो मुझे अभी क्या होगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देयरफॉर एस ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू, इसका मुझे वैल्यू मिल चुका है, ये जो फ्लूइड का मास डेंसिटी मुझे मिल चुका है कितना है, वो 142.875 डिवाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर क्या है 1.42 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आंसर हमको यही फॉर्मूले में से सब मिल जाएगा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं और राइट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, चेक करें क्वेश्चन नंबर 10 क्या 10 है, ए लिक्विड हैज डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ, डायनामिक विस्कोसिटी मतलब म्यू कितना दिया है 0.01 पॉइस, ये पॉइस किसका यूनिट है, सीजीएस का यूनिट है, ठीक है। तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई, तो हमको मालूम है कि भाई क्या इसका ये है, 1 पॉइस इज इक्वल टू 10^-1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर 0.01 इंटू 1 पॉइस, ये पॉइस को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, 10^-1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने क्या दिया, मुझे म्यू मिल गया एंड स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास मतलब रो,
स्पेसिफिक मास, मास डेंसिटी, डेंसिटी सब क्या है, रो इज कितना 1594 केजी पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट कैलकुलेट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये पूछा है। कैलकुलेट काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेरे पास क्या है, मेरे पास म्यू है, मेरे पास रो है, तो ये सीधा अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे आंसर सीधा मिल ही जाएगा। सो देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला म्यू के इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो, डायनेमिक विस्कोसिटी कितना है 0.01 इंटू 10^-1, रो कितना 1594 इज इक्वल टू, इसको हम कैल्सियम में डाल दे तो मुझे कितना मिलेगा 0.01 × 10^-1 डिवाइड बाय 1594। ओके तो कितना मिल रहा है मुझे 6.27 इंटू 10^-7 क्या रहेगा ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, म्यू के मुझे किस में मिल गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट ये मिल गया। अच्छा कभी कभार वो लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये जो म्यू के तुम्हें जो मिला है क्या है ये म्यू के, इसका क्या नाम है, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका फुल फॉर्म क्या है काइनामेटिक काइनामेटिक विस्को काइनामेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो कभी कभार वो लोग बोलते हैं कि काइनामेटिक विस्कोसिटी को ना स्टोक में रखो, स्टोक में कन्वर्ट करना, ठीक है राइट। हमको मालूम है कि भाई 1 stroke = 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हमको ये मालूम है, ठीक है राइट। अब मुझे करना क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको, स्टोक में। तो देयरफॉर मुझे बताओ अगर ये ऐसा है 1 stroke = 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो देयरफॉर 1 meter per second मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कितना होगा, कितना स्टोक होगा, तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा 10^-4 ये नीचे आ जाएगा, यहां पे क्या रहेगा स्टोक, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 10^+4 स्टोक इज इक्वल टू 1 meter square per second। इसका मतलब क्या हो गया 1 meter per second इज वॉट 10^+4 स्टोक, ठीक है। इसका उल्टा उल्टा यहां पे 1 stroke इज 10^-4, यहां पे क्या 1 meter square per second इज इक्वल टू 10^+4। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टोक में तो मैं क्या करूंगा 6.27 × 10^-7 इनटू, मुझे मालूम है 1 meter square per second, 1 meter square per second कितना स्टोक है 10^+4 स्टोक हो गया, स्टोक में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहां पे चेक क्या करोगे, दैट इज 6.27 × 10^2। अब ये −7 + 7 + 4 कितना हो जाएगा −3 स्टोक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया यहां पे, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने बोल रहा है म्यू के, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने बोल रहा है ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, यहां पे ऐसा लिखोगे रो किसका रो है ये ऑयल का, कितना है ये 980 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। हैविंग शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या दिया है, हैविंग शियर स्ट्रेस मतलब टाउ, टाउ दिया है, कितना टाउ है 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना दिया है, वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज du/dy कितना दिया है उसने 0.3 और इसका यूनिट है 2^-1, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये दिख रहा है यहां पे, ये जो है ना हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका यूनिट क्या है 2^-1, ठीक है दिख रहा है यहां पे 2^-1। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा उसने, फाइंड काइनेमेटिक
विस्कोसिटी, ठीक है, फाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कैसे करेंगे उसको? देखो पूरे इसमें ना, पूरे फॉर्मूलेज में ये जो है ना शियर स्ट्रेस सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है। कौन सा फॉर्मूला? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आता है, ठीक है। तो ये टाऊ जो है ना हमेशा एक ही फॉर्मूले में आ रहा है यहां पे। कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? टाऊ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारा ये जो शुरू किससे करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शुरू करेंगे। क्या है वो, यहां पे लिखता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। टाउ मुझे दिया है कितना? 0.25 इज इक्वल टू म्यू, नहीं मालूम। ये कितना? डी यू बाय डी वाई, ग्रेडियंट कितना? 0.3। सो देयरफॉर म्यू मुझे कितना मिलेगा? म्यू विल बी 0.25 डिवाइड बाय 0.3, कितना वो? 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया? डायनामिक विस्कोसिटी मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया मुझे? डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन मुझे क्या निकालना है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या रहेगा ये? म्यू मुझे कितना मिला अभी यहां पे? 0.833 डिवाइड बाय रो। रो कितना है यहां पे? देखो 980। सो देयरफॉर म्यू के, देयरफॉर म्यू के कितना है? 0.833 डिवाइड बाय 980, कितना आ रहा है? 8.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना आ रहा है ये? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। ये था हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 11, राइट, ओके। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये देखो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कन्वर्जन इमर्शन है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सब में हम लोग गलती कर बैठेंगे, राइट। तो ये जो सम हमने किया उसमें क्या था, उसमें हमने देखा कि शियर स्ट्रेस आ गया पिक्चर में, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, किसमें आता है? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या लिखा है यहां पे? एट ए सर्टन पॉइंट इन कस्टर ऑयल द शियर स्ट्रेस। तो यहां पे शियर स्ट्रेस फिर से दिया है 0.216 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू बाय डी वाई इज इक्वल टू 0.216 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड रेस टू वन, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को। वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया, इफ द मास डेंसिटी ऑफ द कस्टर ऑयल इज, मास डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है? 959.42 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फाइंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू के, ठीक है। तो म्यू के हमको निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। कैसे निकाले काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी देख लो कहां पे आता है, सिर्फ शायद से एक ही फॉर्मूला है उसका, ठीक है। क्या फॉर्मूला? काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या? दैट इज म्यू के इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ठीक है। तो मुझे रो मालूम है, सिर्फ मुझे क्या निकालना है? म्यू निकालना है। म्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं? ये दोनों यूज करके, स्ट्रेस और ये, ठीक है। सो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। टाउ मेरा कितना है? 0.21 इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई कितना? 0.216। तो मुझे यहां से क्या मिल जाना चाहिए? म्यू मिल जाना चाहिए। म्यू कितना रहेगा यहां पे? दैट इज 0.21 डिवाइड बाय 0.216, दैट इज 0.972 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो मुझे म्यू मिल गया। अब मुझे म्यू मिल गया, मेरे पास रो है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? काइनामेटिक
विस्कोसिटी मिल जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज म्यू के इज इक्वल टू दिस, कितना मिला मुझे ये 0.972 डिवाइड बाय रो, रो कितना है 959.42, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 0.72 डिवाइड बाय 959.42, दिस इज माय आंसर, दैट इज ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, न्यू के इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है राइट। इसके बाद तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ओके क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। ये देखो 13 एंड 14 थोड़ा सा अलग है, ठीक है, 13 एंड 14 थोड़ा सा अलग रहेगा, तो उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसा हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए हमें, इसको भी रब कर देता हूं राइट। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय, एक यहां पे मुझे क्या मिला है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, v इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, ये एक इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन दिया है, वेर v इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन क्या बोल रहा है, फाइंड टाउ शियर स्ट्रेस, राइट, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टाउ एट y इज इक्वल टू 0, राइट, एंड ऑल्सो फाइंड टाउ एट y इज इक्वल टू 1.5, टेक म्यू, म्यू इज इक्वल टू 8.63 पॉइस। पहले इसमें क्या करेंगे, म्यू को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, म्यू क्या रहेगा 8.63 × 10⁻¹⁰ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया, म्यू को पहले कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब समझते हैं उसको कैसे, इसने क्या पूछा है, टाउ, टाउ पूछा है, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस समझे किसमें आता है, शियर स्ट्रेस किसमें आएगा, शियर स्ट्रेस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करूं, क्या है वो, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, ठीक है, डी यू बाय डी वाई। अच्छा अब देखो यहां पे कंसेप्ट क्या है, अगर मुझे टाउ निकालना है, ठीक है टाउ, तो मुझे क्या चाहिए, म्यू चाहिए, म्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो डी यू, यू मतलब क्या है, वेलोसिटी, यू मतलब वेलोसिटी, तो इधर जो दिया ना वी, वी भी क्या है, वी भी वेलोसिटी है, तो मैं इस वी को ना यू भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी को मैं यू भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये यू भी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी और ये यू भी वेलोसिटी, तो मेरे पास म्यू है, अब मुझे क्या चाहिए, डी यू बाई डी वाई चाहिए, तो ये जो है ना डी यू बाई डी वाई मुझे हमेशा ये इक्वेशन से मिलेगा, वेलोसिटी का जो इक्वेशन देता है ना मुझे वहां से मिलता है, कैसे मिलेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे उसको, कि डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये u है राइट, तो u इज इक्वल टू 2/3y माइनस y स्क्वायर, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट डी यू बाय डी वाई इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2y, क्या मिल गया मुझको, ये डी यू बाय डी वाई मिल गया राइट, ठीक है। तो मेरे पास अभी दो चीज आ गया, म्यू भी है मेरे पास ऑलरेडी, और यहां पे डी यू बाय डी वाई मिल गया मुझको, ठीक है। अब मैं ये पहला चीज निकालने जा रहा हूं, फर्स्ट चीज,
क्या फाइंड क्या बोल रहा है शियर स्ट्रेस टाउ एट y इज इक्वल टू जीरो. अब ये मैं फर्स्ट चीज निकालने जा रहा हूं राइट. देयरफॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है राइट. ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ठीक है म्यू को मैं म्यू लिखता हूं इनटू डी यू बाई डी वाई. क्या डी यू बाई डी वाई क्या मिला मुझे 2/3 - 2y राइट राइट. अब मुझे क्या चाहिए टाउ एट y इज इक्वल टू जीरो. टाउ एट y इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन में जिधर भी y तुमको नजर आ रहा है y वहां पे क्या करो जीरो डाल दो. तो हम कैसे लिखते हैं उसको दैट इज टाउ इज इक्वल टू. तो हम यहां पे लिखते हैं ऐसा भाई टाउ एट y इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या कि टाउ का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में y जिधर भी है वहां पे क्या डाल दो जीरो डाल दो. तो मुझे क्या मिल जाएगा म्यू कितना है यहां पे दैट इज 8.63 × 10⁻¹ और यहां पे इसमें 2/3 - 2 × 0 y क्या हो गया जीरो. तो ये जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू राइट. तो अगर मैं ये वैल्यूज को कैल्सियम में डाल दे दूं तो कितना आएगा देखो 8.63 × 10⁻¹ इंटू ये वाला फैक्टर क्या है इंटू 2/3. तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहां पे कि 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यहां पे क्या लिखना है एट वाई इज इक्वल टू जीरो. तो ये है हमारा शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू जीरो. समझ में आ रहा है ये क्या है इसका मतलब क्या है जब लिखते ना हम लोग इसका मतलब क्या है टाउ एट y इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या कि टाउ का जो इक्वेशन तुमको मिलेगा उसमें y को क्या करो जीरो डाल दो और जो तुमको आंसर मिलेगा वो उस टाउ का आंसर रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है मुझे कि फाइंड टाउ एट y इज इक्वल टू 1.5. अच्छा ये 1.5 नहीं है ये क्या है 0.15 ठीक है 0.15 है ये. तो यहां पे आ जाओ क्या बोल रहा है वो फाइंड टाउ एट y इज इक्वल टू 0.15. इसका मतलब क्या है कि टाउ के इक्वेशन में जिधर भी y तुमको नजर आ रहा है क्या करोगे वहां पे 0.15 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो हमारा इक्वेशन क्या है यही इक्वेशन है दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई क्या है दैट इज 2/3 - 2y. सो देयरफॉर टाउ एट y इज इक्वल टू 0.15 इज इक्वल टू ठीक है म्यू कितना है म्यू म्यू हमको मालूम है कितना 8.63 × 10⁻¹ ठीक है 2/3 लिख दिया हम लोगों ने -2 × y. अब y का वैल्यू क्या है 0.15 तो 2 × 0.15 ठीक है राइट. अब ये वैल्यूज क्या करें हम लोग कैल्सियम में डाल देते हैं वैल्यूज को और फिर हमें मालूम पड़ेगा कि वैल्यू कितना आ रहा है 0.31 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कितना आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू किसका है टाउ एट वाई इज इक्वल टू 1.5 ठीक है. तो हमको मिल गया वैल्यूज दो वैल्यू पूछा कि भाई शियर स्ट्रेस कितना है जब y जीरो है शियर स्ट्रेस कितना एट y 0.15 है. तो हमको दोनों वैल्यू मिल गए यहां पे ठीक है राइट. इसको नोट कर लो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है ऐसा पूछते हैं हम लोग. क्वेश्चन 14 के पास क्या बोल रहे हैं यहां पे टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए फिल्म. ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो. टू प्लेट्स आर सेपरेटेड लेट से मैंने एक प्लेट बना दिया यहां पे ये प्लेट वन और ये प्लेट टू दे आर सेपरेटेड बाय ए फिल्म ऑफ ऑयल. मतलब इसके अंदर क्या भरा है ऑयल भरा है. इसके अंदर क्या है ऑयल भरा है इसके अंदर ठीक है ऑयल भरा पड़ा है इसके अंदर.
इसका हाइट कितना दिया है यहां पे, सेपरेटेड बाय कितना दिया है, सेपरेटेड बाय 0.025 mm, 0.025 mm. द टॉप प्लेट मूव्स विथ वेलोसिटी, ये टॉप प्लेट जो है ना, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 50 cm/s से मूव हो रहा है, व्हाइल द बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड. ये बॉटम प्लेट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है. फिक्स मतलब वेलोसिटी इज जीरो, मतलब यू इज जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब क्या, यू जीरो. और यहां पे कितना वेलोसिटी है, 50 cm/s. ठीक है, फाइंड द फ्लूइड विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इफ, फाइंड फ्लूइड विस्कोसिटी मतलब म्यू पूछा, डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है. ठीक है, राइट. अच्छा, यहां पे अगर डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है, कैसे मालूम पड़ा कि डायनामिक, अगर ये काइनेमेटिक होता तो वहां पे वो स्पेसिफाई करता काइनेमेटिक, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी होगा ऑफ ऑयल. फाइंड द फ्लूइड विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट इज 1.96 Nm/m². अब ध्यान दो यहां पे, इसने क्या बोला यहां पे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट इज 1.96 Nm² बोल क्या रहा है वो फोर्स, लेकिन दे क्या रहा है वो Nm² मतलब क्या है वो स्ट्रेस. कौन सा स्ट्रेस है वो, फोर्स नहीं है. ठीक है, ये क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ, कितना 1.96 Nm² बोल रहा है वो फोर्स, लेकिन है क्या यूनिट में Nm², तो हमें किस पे ध्यान देना है, यूनिट्स में ध्यान देना है. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई फोर्स बोल रहा है और तुम बोल रहे हो ये फोर्स है और ये क्या है Nm² दिया, तो इसको फोर्स मत लेना, फोर्स कभी भी न्यूटन में रहेगा, Nm² में नहीं रहेगा. ठीक है, राइट. तो उसने क्या पूछा, फाइंड म्यू पूछा, राइट. तो म्यू निकालेंगे अभी हम लोग. ओके, अब ध्यान दो यहां पे, टाउ आया मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. टाउ आया मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या है वो, टाउ इज इक्वल टू म्यू डीयू बाय डीवाई. ठीक है, अब ना हमें ये डीयू बाय डीवाई को समझना जरूरी है. ध्यान दो, डीयू बाय डीवाई एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन क्या कहता है, डीयू, यू मतलब वेलोसिटी, डी मतलब चेंज इन वेलोसिटी. तो मैं डी यू को ऐसे भी लिख सकता हूं, U2 - U1, ये U है वेलोसिटी, म्यू नहीं है, U है U वेलोसिटी, म्यू नहीं है, डायनामिक विस्कोसिटी नहीं है वो. D Y मतलब क्या, वर्टिकल डिस्टेंस, राइट. D मतलब चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस, तो मैं यहां पे कह लूंगा U2 - U1. ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी, डी यू का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, U2 - U1. डी वाई का मतलब क्या है, चेंज इन वर्टिकल हाइट, दैट इज U2 - U1. अब मैं इसको, ये चीज को भी मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, यू निकालने में टाउ मुझे दिया है, टाउ कितना है 1.96. ठीक है, म्यू कितना दिया है, म्यू तो मुझे निकालना है, चलो. ठीक है, डी यू मतलब क्या, यहां पे लिख देता हूं पहले फॉर्मूला में, कि U2 - U1, डी वाई क्या है, Y2 - Y1. ठीक है, राइट. अब चेक करो वैल्यूज चेक करो अभी, और सबसे पहले ध्यान दो, ये जो y है ना, y, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ट किस में करेंगे उसको, ये mm में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और यहां पे क्या दिया उसने, म्यू, यू कितना दिया, 50 cm/s, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, मीटर पर सेकेंड.
तो क्या कन्वर्जन क्या u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में करना है तो क्या करूंगा मैं, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 के ऊपर 0 के ऊपर 2 है मतलब 2 0, 10 लिखा ना, 0 के ऊपर 2 है मतलब 2 0, तो क्या हो गया वो 100 बन गया. ठीक है राइट, सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मीटर. ठीक है, सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 10^2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 10^-2 मीटर. तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है, इसको याद रखना है. कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर. तो हमारा ये u क्या हो जाएगा, मैं बताओ जरा u का वैल्यू क्या आएगा, u इज इक्वल टू 50 × 1 सेंटी, सेंटीमीटर क्या है 10^-2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्या हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो क्या किया इंटू 10^-2 मीटर पर सेकेंड, इसका काम हो गया. अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेम चीज को मीटर पर, सॉरी mm है ना, तो मुझे किस में करना है, मीटर में करना है. तो 1 सेंटी इज 10^-2 देयरफॉर 1 mm इज 10^-3 मीटर, ये भी याद कर लेना. ठीक है ओके, ये कन्वर्जन फैक्टर. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर से कि दिस इज इक्वल टू 0.025 × 10^-3 मीटर. ठीक है, इसको कन्वर्ट किया किसमें, mm में कन्वर्ट किसमें किया, मीटर में किया. ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, इज इक्वल टू म्यू निकालना है मुझे, यू टू, तो दो प्लेट है, ये हमारा यू वन है, ये हमारा यू टू है, दो प्लेट है ना, लोअर प्लेट 1 अपर प्लेट 2, तो यू टू माइनस यू वन, यू टू कितना हमारा 50 × 10^-2 यू टू, राइट, यू टू कितना 50 × 10^-2 माइनस यू वन, यू वन कितना है 0, वाई टू माइनस वाई वन. अब y हमको मालूम है, y क्या होता है, y इज दी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम प्लेट. तो ये हो गया मेरा, ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट बॉटम प्लेट के ऊपर का जो पॉइंट है दैट इज माई y1, और टॉप प्लेट के ऊपर जो रहेगा दिस इज माई y2. तो y1 कितना रहेगा 0, एंड यहां से ऊपर जा रहा हूं y2 कितना है, y2 इज दिस मच, That is 0.025 × 10^-3 - y2 कितना है, y2 is this value. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, y2 is equal to 0.025 × 10^-3 और y1 कितना है, y1 उसका हाइट कितना है, y मतलब क्या हाइट ना, तो y1 का हाइट 0, y2 का हाइट 0.025 × 10^-3 मीटर, ये वैल्यूज है इज इक्वल टू. अभी क्या करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 1.96 इज इक्वल टू म्यू. इसको सॉल्व करने से क्या मिल रहा है मुझे, 50 × 10^-2 - 2 डिवाइड बाय 0.025 × 10^-2 - 3, ये कितना मिल रहा है मुझे 2000. सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1.96 upon 2000. तो म्यू मुझे कितना मिल रहा है, 9.8 × 10^-5 न्यूटन सेकेंड.